गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम कल धौलपुर के दौरे पर रहे। इस दौरान उनका भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। वहीं उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा सरकार के नेतृत्व में राजस्थान को अपराध, भ्रष्टाचार और भयमुक्त प्रदेश बनाया जाएगा। निश्चित रूप से भारत सरकार और राजस्थान सरकार संकल्पबद्ध है कि अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को विकास की दृष्टि से उसको मजबूत करके राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़कर उसका संपूर्ण विकास कराया जाए। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने कहा है कि अपराध मुक्त राजस्थान, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान और विकास की दृष्टि से नंबर वन राजस्थान बनाकर माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है 2047 में भारत विकसित देश बने, उसमें मील का पत्थर साबित होगा। राजस्थान की बहुत बड़ी भूमिका होगी, उसी को लेकर के हम जन जन तक जा रहे हैं। और जो अभावग्रस्त लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, सवर्ण हैं, बेरोजगार हैं, दस्तकार हैं, लोहार हैं, कुम्हार हैं, किसान हैं, व्यापारी हैं, सबको सरकारी योजनाओं को लाभ दे करके उनके मनोबल को ऊंचा किया जा रहा है, उनको रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं और उनको ये बताया जा रहा है कि सरकार आप सबकी हितैषी, आपके साथ खड़ी है।